got this feeling. Hello everyone, good morning. आज मेरी फैमिली में बहुत बड़ा फंक्शन है, मतलब आज का थोड़ा ऐसा चिलैक्स वाला डे है कि बस रेडी होना फंक्शन के लिए और थोड़ा सा लैपटॉप पे काम करूँगी, उतना प्रेशर नहीं लूँगी आज। एंड ऑनेस्टली बहुत टाइम हो गया है कि मैंने आराम से टाइम ले रही हूँ और मैं पेंटिंग कर रही हूँ मेरे चेहरे पे। सबसे पहले नहाने जाना पड़ेगा क्योंकि मेरे बाल भले ही मैंने मस्त कर्ल किए थे कल, चिपचिपे हो गए एंड चिपचिपे बाल मुझे इतना इरिटेट करता है ना कि मेरा मूड वो दिन बिगड़ जाता है। तो मैं अभी पहले नहा के आती हूँ ताकि पूरा दिन अच्छा जाए। आई एम बैक विद करेक्शंस क्योंकि मुझे रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ मेरे ऑयली बाल ही नहीं जो मुझे इरिटेट करता है, मॉर्निंग ब्रेथ मुझे इतना परेशान करती है कि कभी कभी अगर मुंह में सलाइवा जमा हो जाता है ना, मैं बात करना प्रेफर नहीं करती जब तक मैंने माउथ क्लीन नहीं किया, ब्रश वगैरह नहीं किया। एंड थर्ड थिंग जो मुझे बहुत अनॉय करती है इज़ मेरे डेड स्किन सेल्स। मेरे को स्पेशली ये एरिया में इतनी तकलीफ होती है ना कि मैं नाखून से निकालते रहती हूँ जो भी ऐसे छोटे छोटे डेड स्किन सेल्स जमा जाता है, फिर मुझे फोड़िया हो जाती है। तो इसलिए मैं स्क्रब करती हूँ मेरा बॉडी, स्पेशली आज के दिन क्योंकि मुझे स्लीवलेस पहनना तो पसंद है ही। मुझे एकदम मस्त ऐसा फिनिश चाहिए। बाल धोने के लिए तो आपको पता ही है मैं बेकिंग सोडा यूज़ करती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप फुल फ्लेजेड वीडियो चाहते हो और वो बहुत जल्द आएगी। एंड जहाँ तक ब्रश की बात है, मुझे एक नया टूथब्रश लेने जाना है क्योंकि मेरे टूथपेस्ट के साथ जो टूथब्रश फ्री आया था मैं कब से वही यूज़ कर रही हूँ एंड वो ऑलरेडी ख़राब हो चुका है। एंड जहाँ तक बॉडी स्क्रब की बात है, करंटली मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ, इतना ख़त्म भी हो गया, इतने टाइम से यूज़ कर रही हूँ मैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बॉडी स्क्रब इज़ दैट इसके पार्टिकल्स इतने फाइन है कि मेरे जो भी छोटे छोटे डेड स्किन सेल्स हैं ना वो भी निकल जाते हैं। मैं एप्लीकेशन तो आपको बता देती हूँ एक बार। क्रेजी, इसमें अराबिका कॉफ़ी है, अपना नॉर्मल वाला कॉफ़ी नहीं है। सो मतलब एकदम ऐसा प्रीमियम कॉफ़ी वाला स्मेल भी आता है ना आने के बाद। एंड इसमें कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल है जिसके वजह से मुझे ड्राई फील नहीं होता इवन आफ्टर स्क्रबिंग। यूजुअली जो भी डीप क्लेंजिंग वाले प्रोडक्ट्स होता है ना उसके बाद डेड स्किन सेल्स ही नहीं लेकिन ऐसा लगता है कि मॉइस्चर भी रिप ऑफ हो गया, लेकिन इसमें ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता है। विच इज़ वाई मैंने ऑलरेडी मेरा सेकेंड पैकेट लेके रखा था जब ये आधा खत्म हो गया, बट आई थिंक मैं इसका गिव अवे करना चाहती हूँ। तो अगर आप कोई अच्छा बॉडी स्क्रब ढूंढ रहे हो तो मैं इसको डेफिनेटली नीचे लिंक कर दूंगी। रेडी होने के पहले दो चीज़ है, थोड़ा सा अर्जेंट काम है लैपटॉप पे एंड ब्रेकफास्ट भी करना है। तो आई थॉट कि स्किन को तो भी प्रेप कर लेती हूँ। मैंने शावर करते वक्त सिर्फ क्लेंस किया है मेरे स्किन को एंड अभी मैं एक फेस मास्क लगाऊंगी। मैंने रखा काम में लेके आई, एक सेकेंड, ये बेटर है, बाहर पीछे डालने है ना। कभी भी फेस मास्क लगा के ऐसे ही नहीं बैठ सकती कुछ काम किए बिना। तो एवरी टाइम जब मुझे फेस मास्क करना होता है मैं तभी करती हूँ जब मुझे कुछ बैठ के करने वाला काम हो। इंस्टेंटली इतना सही लगता है ना, इसका स्मेल बहुत ज़्यादा चॉकलेटी है। मैं ना लिटरली ये वाले डेज के लिए रुकती हूँ, मैं हफ्ते में सिर्फ 2 बार लगाती हूँ क्योंकि उससे ज़्यादा लगाना नहीं चाहिए। आज ना फ्राइडे है तो पूरा हफ्ता जैसे तैसे मैंने मेरा सेकेंड डे बचा रखा है। कभी भी फेस मास्क करोगे ना तो क्लेंस करने के बाद करना क्योंकि जो ऊपर का डर्ट रहता है, पोल्यूशन और डेड स्किन सेल्स अगेन, क्लेंजिंग में अगर हट जाता है ना तो ये डीप क्लेंस और अच्छे से कर पाता है। चलो इसी के साथ मैं सीरीज पे कर सतर्क रहिए, देखते रहिए क्राइम पेट्रोल तक। इसमें से मैं गाने सुन रही थी बाहर तो टीवी से अटैच कर रखा है, तो मम्मी ने टीवी चालू किया होगा अभी तो टीवी का आवाज़ आया। हाँ तो चलो ब्रेकफास्ट करते करते ये फटाफट अर्जेंट वाला काम खत्म करते हैं, देन वी विल गेट वाई टी। टाइम टू वॉश दिस ऑफ। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया काम करते करते, मेरे बाल ऑलमोस्ट सूख गए। तो मेरा ये लेज़ी गर्ल हैक है कि जब भी मुझे बाल बांधने नहीं होते मतलब आलसी होती हूँ तो मैं टॉप के अंदर डाल देती हूँ एंड बी गुड। इट फील्स सो गुड। The face mask I used was this one. मैं एक्चुअली इसे काफ़ी टाइम से यूज़ करी हूँ। तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक बार वीडियो डाला था रात को कि पूप बनने की ट्राई कौन ही करता रात को। एंड कभी भी आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि कौन सा फेस मास्क लगाया है, वो ये वाला था। आई हैव बीन ट्राइंग इट आउट सिंस अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि आप मुझे जानते हो कि अगर पेड हो ना हो मेरे रिव्यूज़ में हमेशा मैं प्रोज एंड कॉन्स दोनों देना चाहती हूँ। एंड जेन्युइनली मेरे को इसमें कोई कॉन नहीं मिल रहा है, बिकॉज आज भी काम के चक्कर में मैंने एक्स्ट्रा टाइम रख दिया था फेस मास्क, फिर भी मेरा स्किन ऐसा ड्राई और खींचा खींचा सा फील नहीं कर रहा है। मतलब जो वाइटामिन ई एंड आर्गन ऑयल इन दिस, इतना मॉइस्चराइजिंग है ना यार, एंड डीप क्लेंस हो गया पूरा। लाइक मुझे कुछ भी डर्ट नहीं दिख रहा फेस के अंदर। लाइक हैव लुक। बहुत ही ऑकवर्ड एंगल था वो, वैसे मालूम नहीं मैं कंफर्टेबली ऐसे कैसे बात कर रही थी। बट नाउ इट्स टाइम टू गेट रेडी। एकदम ज़्यादा क्लोजअप ले आई हूँ। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेंसेज। ये एक टिपिकल ऐसा मेकअप ट्यूटोरियल नहीं है, क्योंकि हम टिपिकल मेकअप गुरु भी नहीं है। 1 साल पुराना कंसीलर, अभी हम लेंगे एकदम लाइट वाला ब्राउन। अब धीरे धीरे बिल्ड करेंगे डार्कर ब्राउन इसके अंदर। अभी मैं लूंगी बहुत सारा शिमर। यूजुअली लोग शिमर्स को ब्लेंड करना भूल जाते हैं, एंड आई थिंक दैट्स वेयर वो हार्श लगने लगता है। मुझे और थोड़ा ग्लैम करना है, तो मैं और शिमर डालने वाली हूँ। फाइनली हैप्पी विद द आई शैडो। आई एम ऑब्सेस्ड विद काजल। एंड अभी मस्त सा आई लाइनर। आई थिंक आई लाइनर और काजल ना कोई भी लुक को नेक्स्ट लेवल लेके जाता है। बहुत अलग टाइप का आई लाइनर ट्राई किया है, जिट्स नॉट योर टिपिकल विंग, एकदम शार्प पॉइंट है। नेक्स्ट आईब्राउज को थोड़ा ठीक करना है, ज़्यादा नहीं क्योंकि ऑलरेडी बहुत सैम्पल साइज मस्कारा। बहुत क्यूट है। मैंने लिटरली आई मेकअप के अलावा कुछ नहीं किया, एंड पूरा डिफरेंस लग रहा है लुक में। अब फटाफट करना पड़ेगा बेस, बिकॉज वी आर नाउ लेट। महीनों तक मैंने फाउंडेशन एक्स्ट्रा लगाया, तो अब मैं सिर्फ ढक्कन में से लगाती हूँ। ये ट्रिक से ना एकदम हल्का और नेचुरल फिनिश आता है। नॉइज इट्टू सा कंसीलर। मैं लिक्विड ब्लश यूज़ कर रही हूँ काफ़ी टाइम से, तो मैं पाउडर लगाने के पहले वो लगा देती हूँ, क्योंकि अगर मैं पाउडर के ऊपर ही लगाती हूँ ना तो अजीब हो जाता है। तो वेडिंग में तो थोड़ा एक्स्ट्रा ब्लश बनता है। लिक्विड हाईलाइट, ये भी सैम्पल है, इसमें लिटरली 6 ml है, और मैं इसको 6 महीने से चला रही हूँ और अभी तक चल रहा है। कितना अच्छा ग्लो आ गया इत्तू से हाइलाइटर में। बस अभी हल्का सा पाउडर लगा दूंगी। अगर एक स्टेप और ग्लैम जाना हो ना तो कॉन्टूर करना चाहिए। मैं कंफ्यूज हूँ मुझे करना कि नहीं करना, क्योंकि फिर मेरे से बिगड़ जाता है कभी कभी, बट आई विल ट्राई। आई थिंक आज इतना नहीं बिगड़ा। मैं हेयर को कुछ नहीं करने वाली, क्योंकि ऑलरेडी मेकअप पे इतना टाइम इन्वेस्ट किया ना कि मेरे में बिल्कुल पेशेंस नहीं है। लिप्स के लिए मैं सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट लिप ग्लॉस लगा दूंगी, क्योंकि आईज ऑलरेडी थोड़ा ज़्यादा ही ग्लैम है। एंड ये क्या अगर निकल भी जाता है ना खाना खाते वक्त या पानी पीते वक्त, तो बुरा भी नहीं लगता, एकदम केयर फ्री लगता है। प्लस कुछ भी शाइनी और ग्लॉसी होता है ना तो एकदम ग्लैम लगता ही है। 3 साल पहले मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा मेकअप कर पाऊँगी। आई नो कि ये बेसिक है, ये उतना अच्छा भी नहीं है, बट मेरे लिए बड़ी बात है कि मैं थोड़ा बहुत ऐसा मेकअप कर पा रही हूँ। Kinda turn me upside down. अब टाइम है आउटफिट पहनने का, लेकिन डू यू वांट टू सी द मेस आई मेक आफ्टर डूइंग माय मेकअप? ये साफ किए बिना घर के बाहर गए ना, मॉम विल smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. For the first time in my life मेरे को ब्यूटी गुरु वाला फीलिंग आ रहा है. मेरे को इतना अच्छा लग रहा है. आज का मेकअप डिसेंट है, एकदम ज़्यादा ग्लैम नहीं है बट थोड़ा सा शाइनी है. ओके, आउटफिट के लिए मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ. मेरे पास दो ऑप्शंस है. एक ये ग्रीन वाला कुर्ती, एंड इसका पूरा सेट है, मतलब मैचिंग पैंट्स और दुपट्टा. ये ब्लू वाला कुर्ता एंड इसके साथ शरारा. मेरे को वैसे तो ब्लू वाला ज़्यादा पसंद है बट आई थिंक ग्रीन वाला थोड़ा एकदम सोफिस्टिकेटेड लगेगा. आई थिंक मैं ग्रीन वाला पहनूंगी. I'll be back. ये है मेरा आउटफिट. ऐसा लग रहा है, मेरे को इसका फिटिंग बहुत पसंद है. ये मैंने लिया था आई थिंक शॉपर्स स्टॉप से और ब्रांड का नाम है ओरेलिया एंड चुमिनी. Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? ये बेटर लग रहा है. एक्सेसरीज़ के लिए मैं सिर्फ एक रोज़ गोल्ड वॉच और ये रोज़ गोल्ड बैंगल पहनूंगी. मैंने राइट हैंड में वॉच सालों से नहीं पहना. तो मुझे निकलना पड़ेगा, पर अगर आपको ये वीडियो देखने में मज़ा आया तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई. एंड अगर आपको और मस्ट गेट रेडी विथ मीज देखना है तो मुझे बता देना. मैं मेकअप गुरु तो नहीं हूँ लेकिन मुझे साथ में रेडी होने में मज़ा आता है. ऑल्सो mCaffeine को बहुत बड़ा थैंक यू फॉर पार्टनरिंग अप विद अस फॉर दिस वीडियो, क्योंकि मुझे उनके ये दोनों प्रोडक्ट्स वैसे भी पसंद थे तो ये वीडियो बनाने में मुझे और भी मज़ा आया. पर हाँ, मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में. तब तक गुड बाय. Have you ever been in love? Have you ever lost your head?